सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर कैसे एफएम रेडियो सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दो तीन वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, वहां पे मैंने बताया कि आप एफएम रेडियो कैसे सुन सकते हैं। उसमें एक वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था मोबाइल से आप कैसे सुन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने घर के अंदर कमरे के अंदर कैसे एफएम रेडियो को सुन सकते हैं, और वो भी एक दो चैनल नहीं, पूरे 12 13 या फिर 14 चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो ब्लूटूथ एम्पलीफायर है या आपका कोई भी एम्पलीफायर है या फिर आपका इसमें रेडियो होना चाहिए या फिर कोई आपका होम थिएटर है, तो ऐसा कोई भी आपका जो साउंड सिस्टम है उसको आपको क्या करना है, अपने एफएम वाले मोड पे ले जाना है। उसके बाद आपको अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एंटीना कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये देख लीजिए, ये अपना एम्पलीफायर है। ठीक है, और ये देखिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक तार गया हुआ है, ये पतला सा आपको दिख भी रहा होगा, और ये सफ़ेद कलर में यहाँ से जा रहा है, सफ़ेद रंग में, और यहाँ से ऊपर ये चला गया है, और ये ऊपर जो है उधर से इस खिड़की से मैंने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, और ये अपना एम्पलीफायर है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा चैनल भी सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे ये तार लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आप लोग कहेंगे कि भाई हमने तो देखा नहीं। ठीक है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे तार जो अपने एंटीना लगा हुआ है। पहले आपको थोड़ा साउंड मैं सुना देता हूँ, इसको करते हैं, इसका प्लग करते हैं यहाँ पे ऑन, और ये देखिए यहाँ लाइट जल रही है। ठीक है, रुकिए मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। रुकिए देखिए, गाना बज रहा है ना। ठीक है, ये सब गाँव में चल रहा है। ठीक है, गाँव में चल रहा है, शहर में नहीं चल रहा है। चलिए मैं आपको बैक वाले कैमरा दिखाता हूँ कैसा ये व्यू आ रहा है। ये देखिए 98.3 मिर्ची चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेंज करते हैं दूसरा। उन लोगों जी ऐसे फालतू की ईगो नहीं होती थी जी, बड़प्पन के साथ ही मैं आपको एक देखिए, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है 92.5 रेड एफएम की, और सबसे सही मिर्ची चल रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा, आप थोड़ा देखिए, ये देखिए ये अपना स्पीकर चल रहा है। ठीक है, यही से आवाज आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो अपना एम्पलीफायर या फिर अपना जो होम थिएटर, इसका ट्रेवल कम कर दीजिएगा, ट्रेवल तेज रखेंगे तो ऐसे खर खर की बहुत तेज आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इसको आप एकदम धीमा कर दीजिए तो आपको सिर्फ आवाज़ आएगी, ठीक ठाक आवाज़ आएगी। चलिए मैं आपको वहाँ का जो आपने देखा है यहाँ बाहर से एंटीना आपको दिखा देता हूँ, मैंने एंटीना कैसे इसको लगाया हुआ है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 14-15 चैनल आएंगे, 14-15 चैनल दोस्तों तब पकड़ेंगे, ये बात मैंने कहना भूल गया था, उसमें 14-15 चैनल तब पकड़ेंगे जैसे कि रात का समय हो या फिर सुबह का समय हो, सुबह 7-8 बजे का हो, और आप एकदम आपकी छत थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, मतलब ज़मीन से 4-5 खंड का मकान है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, और आपका 4-5 खंड का मकान होना चाहिए। और क्या है कि आपको सुबह सुबह जो अगर आप इस एंटीने को लगा के अपना एफएम जो सुनेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से सुन पाएंगे, वो भी 14-15 चैनल तो आराम से आएंगे, लेकिन उसमें 4-5 चैनल अगर नहीं चलेंगे तो फिर भी 8-10 या फिर 8 चैनल तो आराम से चलेंगे। ठीक है, थोड़ा खरखर की आवाज़ आएगी लेकिन उससे आप मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए वहाँ पे कोने में जो है वहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि एंटीना हमने कैसे लगाया हुआ। तो फ्रेंड्स, वो देखिए सामने जो आप देख रहे हैं जो घुमा हुआ है, यही मैंने एंटीना लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे लगा हुआ है, मैंने खिड़की से ऐसे थोड़ा सा उठा कर ऊपर की ओर लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कैसे अपना चल रहा है वहाँ से। ठीक है, ये देखिए वहाँ पे कैसे चल रहा है वहाँ से, तो मैंने वहाँ एंटीना कैसे लगाया वो भी आपको दिखा दिया, और ये अपना तार जो लगा हुआ है, और ये देख लीजिए यहाँ तार यहाँ नीचे हुआ आया हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए एंटीना का तार है, ये देखिए। ठीक है, एंटीना का तार है, ये मिर्ची चल रहा है। देखिए यहाँ पे
टीएफ कार्ड नहीं लगा हुआ है, देखिए कोई कुछ भी नहीं है, ब्लूटूथ भी बंद ही है इसका। तो ऐसे करके आप अपने गांव में जो है एफएम रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। गांव में कोई भी गांव में हो, बस थोड़ा सा आपका 4-5 खंड का मकान होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से अपने रेडियो को सुन सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करता, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम और बाय बाय।